रायबरेली उत्तर प्रदेश सरकार जहां कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने की बात करती है, वहीं रायबरेली में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला रायबरेली के बदाखोर थाना क्षेत्र के चकशीरी हरा का है, जहां बरसात के कारण गिरे एक पेड़ को काटने को लेकर विवाद में 8 लोग लहूलुहान हो गए। आपको बता दें कि चकशीरी हरा गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब बरसात की वजह से एक पेड़ गिर गया, जिसको राम प्रकाश काटने लगे तो कुछ लोगों ने इसका विरोध करते हुए ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ियों से मारना शुरू कर दिया। जब इसकी सूचना राम प्रकाश के परिजनों को हुई तो वह लोग मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं राम प्रकाश के पुत्र की माने तो पुरानी रंजिश के कारण उनके पिता पर जानलेवा हमला किया गया है, और जब सब लोग बचाने गए तो उन लोगों पर भी लाठी डंडों से हमला किया गया। क्या नाम है? राहुल यादव। कहाँ के रहने वाले हो? आप लोगों का विवाद हुआ, किस बात को लेकर के विवाद हुआ, किस चीज से मारा पीटा गया है? यह हमारी उनकी पहले पुरानी रंजिश है, हमारी जमीन कुछ कब्जा कर रखे हैं 10 साल से, उसका मुकदमा चलता है। ये वहाँ पे हमारे पापा अपने घर से खेत जा रहे थे, उनका रास्ते में उनका घर पड़ता है, तो वहाँ पे उन लोगों ने पापा को घेर कर खींचते हुए ले गए घर के अंदर। वहाँ कुल्हाड़ी डंडे थे, कुल्हाड़ी से मार पीट रहे थे। तब तक एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया, मैं अपने घर से गया वहाँ पे, तो पापा को छोड़ कर हम पे जुट गए मारते। उसके बाद चाचा लड़का दीपेंद्र यादव वहाँ पे पहुँचा, इन लोगों को भी मारा पीटा उन्होंने। हमारे भी बाद में सिस्टर गए, उसको भी मार पीट दिया। पुलिस केस किया गया है? पुलिस केस वहाँ थाना में दोखर गए थे, तो वहाँ पे बोले कि पहले दवाई इलाज करवा जाके बाद में एफआईआर करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या मामला हुआ? बिरजेंद्र कुमार। कैसे, क्या घटना हुई? सर एक पेड़ रास्ते में गिरा था, तो मैंने उसको छांट रहे थे, तो ये लोग जाते घर में घुस हमारे मार दिए। किस चीज़ को लेकर के विवाद हुआ था? पेड़ के लिए, पेड़ स्कूल में था तो हमारी तरफ गिर गया था, मेरा रास्ता बंद हो गया था, तो मैंने उसकी डार काट के हमने कहा थोड़ा साइड कर दें, आने जाने का रास्ता हो जाए, कितने लोग घायल हुए हैं? हमारी तरफ से 3 लोग। क्या कंडीशन है? क्या किस स्थिति में है? सर मजबूरी करते हैं अभी। सर 3 लोग आए, घायल लोग आए, कहाँ से आए और क्या मामला है? मधोकर थाना से करीब 6 लोग आए थे, जिसमें एक आपस में लड़ाई हुआ था, पेड़ पे कुछ गिर गया था उसको लेकर। एक पार्टी के 4 लोग थे, दूसरे पार्टी के 2 लोग आए थे, जिसमें 4 पार्टी जिस 4 लोग थे उसमें एग्जामिन करने में 2 को सीरियस हालत था, सर पे चोट लगा था, जिसको मैंने फर्स्ट एड करके एडमिट कर दिया, उसका इलाज चल रहा, बाकी 2 को डिस्चार्ज कर दिया। अपोजिट पार्टी में भी 3 लोग आए थे, जिसमें 2 तो सीरियस, 2 नहीं सीरियस थे, जिसको पट्टी करके उसको डिस्चार्ज कर दिया, एक सीरियस हालत में उसको भी एडमिट कर दिया, बाकी जो एडमिट है उनका इलाज चल रहा है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।